सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के नौ दिन माँ आदिशक्ति के अलग अलग रूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। अष्टमी को माता महागौरी के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी अष्टमी को माँ महागौरी की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करते हैं। लोकल 18 से बात करते हुए मैहर माँ शारदा माता मंदिर के प्रधान पुजारी बम्बम महाराज ने बताया कि नवरात्रि के नौ दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन अष्टमी का दिन विशेष होता है क्योंकि इस दिन माँ महागौरी के पूजन के लिए ईश्वर भी पृथ्वी पर आते हैं और माता का पूजन करते हैं। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन की पूजा आपको विशेष फल देती है और समस्त देवता माँ के भक्तों पर करुणा बरसाते हैं। माता मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ महागौरी का पूजन आपको नौ दिनों के पूजन के बराबर फल देता है। तो आइए मैहर माता शारदा मंदिर के प्रधान पुजारी बम्बम महाराज से ही जानते हैं माँ महागौरी के पूजन का क्या लाभ है। के अलग अलग देवियों का अलग अलग महत्व है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कोषमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालीरात्रि महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धिदात्री चार नव दुर्गा। इस तरीके से नवरात्रि के नौ दिन की पूजा अलग अलग विधान से अलग अलग स्वरूपों के भाव से भोग से माँ भगवती की पूजा होती चली आ रही है। अष्टमी का जो विशेष महत्व इस कारण होता है कि ऐसी मान्यता है कि अष्टमी के दिन सारे देवी देवता माँ भगवती शारदा माई के चरणों में अपनी आराधना को अपनी पूजा को लेकर यहाँ पर किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं और इसी कारण सभी लोग ये चाहते हैं कि अष्टमी के दिन माँ के दर्शन करें तो शायद किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कहीं मिल जाए, रास्ते में टकरा जाए। इस वजह से इसकी ज़्यादा मान्यता है क्योंकि अष्टमी का जो दिन होता है वो सप्तमा कहाँ रहती महागौरी, महागौरी का आठवां दिन होता है। महागौरी के स्वरूप में माँ भगवती के विभिन्न रूपों में दर्शन होते हैं। यह मान्यता हमारे मंदिर में हजारों वर्षों से चली आ रही है और उसी मान्यता के अनुसार अलग अलग दिन में अलग अलग पूजा का विधान बताया गया है।